आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। बाजारों में पिछले 5 दिनों में चावल की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से आने वाले चावल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय बाजारों में चावल की कीमतों में आई इस बढ़ोतरी का कारण हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है। दरअसल हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश आमतौर पर अपनी चावल की ज़रूरतों को भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार से चावल खरीद कर पूरा करता है। फिलहाल इन तीनों राज्यों में चावल की कीमतों में हाल के कुछ दिनों में 20% तक की तेज़ी देखी गई है। देश के दूसरे हिस्से में भी इन राज्यों में चावल का भाव बढ़ने से अछूत नहीं है। भारतीय बाजार में चावल की कीमतों में 10% तक की तेज़ी आ गई है। वहीं खबरों के मुताबिक बांग्लादेश में इन दिनों चावल की किल्लत हो गई है। ऐसे में वहां चावल महंगा होता जा रहा है। बांग्लादेशी सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए भारत से चावल आयात बढ़ाने के लिए ड्यूटी कम करने का फैसला लिया है। 22 जून को बांग्लादेश सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 31 अक्टूबर तक नॉन बासमती राइस आयात करने की मंजूरी दी जा रही है। बांग्लादेश सरकार ने चावल के आयात पर इम्पोर्ट ड्यूटी और टैरिफ 62.5% से घटाकर सिर्फ 25% कर दिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने पहली बार भारत से इतनी जल्दी चावल खरीदने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश को डर है कि भारत घरेलू बाजार में महंगाई पर लगाम लगाए रखने के लिए चावल के निर्यात को प्रतिबंधित कर सकता है। सामान्य तौर पर बांग्लादेश सितंबर या अक्टूबर के महीने में चावल का आयात करता है। वहीं खबर है कि रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की ओर से गेहूँ के निर्यात पर पाबंदी लगाए जाने के बाद बांग्लादेश में अनाज की किल्लत हो गई है। बांग्लादेश के इलाके वर्तमान समय में बाढ़ की चपेट में है, इससे वहां धान की खेती प्रभावित हुई है। खबरों के मुताबिक इस मामले में राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा कि पिछले 5 दिनों में भारत में गैर बासमती चावल के भाव $350 प्रति टन से घटकर $360 प्रति टन पर पहुंच गए हैं। बाजार में आई ये तेजी बांग्लादेश से आयात खुलने की खबरों के बाद आई है। बांग्लादेश में गेहूँ के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं, इससे वहाँ आटा बहुत महंगा हो गया है। इस परिस्थिति में बांग्लादेश ने अपने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए चावल का जल्द से जल्द आयात करने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।